नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी एमटेक 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज आपके लिए है कि फाइनली आपकी वैकेंसी जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। 1200 प्लस वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो चुकी है। टोटल वैकेंसी अब कितनी क्या है उस पर बात करने वाले हैं। उसके अलावा सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज होंगी और वैकेंसी 10,000 के आसपास हो सकती है। आप मेरे बहुत पुराने वीडियोस को देख सकते थे, नोटिफिकेशन नहीं आया था, तब से मैं कह रहा हूं कि वैकेंसी 10,000 के आसपास आएंगी। मैं क्यों कह रहा था, क्योंकि आरटीआई जो हमने लगाई थी उसके बेस पर मैं बात कर रहा था। तो अब कहीं ना कहीं आपको चीजें पता चल गई होंगी। अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो उसका कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा। उसके अलावा इस पॉइंट पे बात करेंगे कि इस बार पर सीट जो कंपटीशन है वो कितना है, और इस बार पर सीट जो कंपटीशन है वो लास्ट ईयर जितने भी 2022-2020 का अगर हम डाटा देखें, 2021 का डाटा देखें, 2022-2023 सबसे कम होने वाला आपका प्रसिद्ध कंपटीशन। तो इस बार सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया तो फिर मुझे लगता है कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी। बाकी कैटेगरी वाइज आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या रह सकता है, उस पॉइंट पे भी हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके टोटल फॉर्म जो है बहुत कम पड़े कि अभी चूंकि क्या है कि यहाँ पे इन्होंने डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी है, 3 अगस्त तक आप फॉर्म अपने डाल पाएंगे, तो कितने क्या फॉर्म आपके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अटेंडेंस कितनी क्या रह सकती है, जो लास्ट ईयर का ट्रेंड है हमारे पास 2020 का, 2021 का, 2022 का, 2023 का, उसके बेस पे मैं आपको बताने वाला हूँ कितने क्या बच्चे इस बार अपियर आपके हो सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, और अभी से टाइपिंग की प्रिपरेशन करना आप स्टार्ट कर दो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसे दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। उसके अलावा जो लेटेस्ट वाले पैसेज हैं वो बहुत जल्द यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूंगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो दे सकते हैं। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं वैकेंसी आपकी फाइनली इंक्रीज हो चुकी है। पहले एमटीएस, चूंकि यहाँ पे वैकेंसी जो इंक्रीज हुई है वो एमटीएस की ही इंक्रीज हुई है, बाकी हवलदार की जो वैकेंसी 3400 प्लस थी वही वैकेंसी है आपकी। एमटीएस की वैकेंसी 4887 थी पहले, अब वो इंक्रीज होकर 6144 हो गई है। टोटल 1257 वैकेंसी इंक्रीज हुई, यानी कि 1257 जो एस्पिरेंट है उनको और जॉब मिलेगी, उनके घर में और खुशियां आएंगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपडेट है कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो चुकी है। अब जो टोटल वैकेंसी हो गई है वो 9583 हो गई है, पहले जो वैकेंसी थी वो 8326 थी। तो आप खुद देख सकते हैं कि 10,000 के आसपास वैकेंसी आपकी पहुंच चुकी है। जो मैंने आपसे कहा था कि 10,000 के आसपास वैकेंसी आएंगी तो उतनी वैकेंसी आपकी हो चुकी है। अब अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो। बाकी अगर हम बात करें कि यहाँ पे सेफ टारगेट स्कोर आपके लिए क्या रह सकता है, तो अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है तो इस बात को आप मेरी आज समझ लो कि टारगेट स्कोर यहाँ पे आपको मैक्सिमम लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज जाती है। उसके अलावा यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, तो सभी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको सेम टारगेट लेके चलना है। अगर यहाँ पे हम टारगेट स्कोर की बात करें तो 130 नंबर का आप टारगेट लेके चलो सेशन 2 के लिए, तब कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जब आप 130 का टारगेट लेके चलोगे तब कहीं ना कहीं 120-125 आप लेके आ पाओगे, और तब कहीं ना कहीं एक सीट आपको मिल पाएगी। तो इतने नंबर पे आप टारगेट करो, मॉक टेस्ट जब दे रहे हो तो इतने नंबर लाने का प्रयास करो। अगर नहीं आ रहा तो देखिए कहाँ पे कमियां हो रही हैं, और हर मॉक टेस्ट के बाद उनमें सुधार लाने का आपको प्रयास करना है। तो इतना टारगेट स्कोर अगर आप लेके चलेंगे तो किसी भी कंडीशन में आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे हो जाएगा। उसके अलावा आपका जो अपना स्टेट है वो भी आपको मिल जाएगा। ज्यादा नंबर लाएंगे तो डिपार्टमेंट भी अच्छा मिलेगा और आपका जो अपना स्टेट है वो मिलेगा। उसके अलावा आपके लिए एक और गुड न्यूज है कि यहाँ पे जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया। पहले 31 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते थे, अब इसको बढ़ाकर 3 अगस्त कर दिया गया, यानी कि अब आपको थोड़ा सा और टाइम मिल गया। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि पहले अपना सब कुछ काम छोड़ के पहले फॉर्म फिलअप कर दो, और फॉर्म जो भरो तो उसे सावधानी पूर्वक भरो ताकि किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो, आपको करेक्शन बिंदु की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ध्यान देना आपको वो, चूंकि फोटो सिग्नेचर में भी दिक्कत हो रही है तो उसको अच्छे तरीके से आपको अपलोड करना है। उसके अलावा अपना जो नाम है, फादर का नाम है, एड्रेस जो है वो अच्छे तरीके से डालना। उसके अलावा जो ईमेल आईडी और फोन नंबर है उसमें बहुत ही सावधानी बरतनी, वही फोन नंबर डालना जो आप यूज करो और यूज करोगे लॉन्ग टाइम। उसके अलावा ईमेल आईडी वही डालना जो आपकी वर्किंग है, क्योंकि बाद में फिर जब सिलेक्शन हो जाता है तो फिर स्टूडेंट को दिक्कत होती है। तो आपके लिए डेट एक्सटेंड कर दीजिए, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर दीजिए, ठीक है।
उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे अटेंडेंस कितनी क्या रह सकती है और पर सीट कंपटीशन इस बार कितना क्या रह सकता है, तो लास्ट ईयर का आप डाटा देख सकते हैं यहाँ पे। 2020 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3972 वैकेंसी थी आईबी और 45 लाख जो बच्चे थे उन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया था। 45 लाख बच्चों में 20 लाख बच्चे जो थे वो अपियर हुए थे। अटेंडेंस अगर बात करें तो 44% रही थी। एक सीट पे 2020 में 503 बच्चे जो थे वो फाइट कर रहे थे। अगर हम 2021 की बात करें तो यहाँ पे 7739 वैकेंसी थी, 38 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, 16 लाख बच्चे अपियर हुए थे, 42% आपकी अटेंडेंस रही थी और 206 एक सीट पे जो कंपटीशन था वो 206 बच्चों का था, मतलब 206 बच्चे एक सीट के लिए फाइट कर रहे थे। यहाँ पे जो हमने कंपटीशन निकाला है वो अटेंडेंस के बेस पे निकाला है, बाकी इससे अटेंडेंस से भी और टोटल फॉर्म कितने पड़े उससे भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये बात आपको पता होगी अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं काफी टाइम से। जो मेन कंपटीशन है वो सिर्फ 4 से 5 लाख बच्चों के बीच में ही होता है, ये बात आपको पता है, बाकी इन सबसे इस डाटा से कोई बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला। जो मेन आपका कंपटीशन है वो 4 से 5 लाख बच्चों के बीच में ही, उन्हीं से आपको फाइट करनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम 2022 की बात करें तो यहाँ पे 12523 वैकेंसी थी। जब ज्यादा वैकेंसी आती है तो ज्यादा बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क आपका नहीं पड़ता। 55 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, 23 लाख बच्चे अपियर हुए थे, 41% अटेंडेंस रही थी, एक सीट पे 183 बच्चे जो थे वो फाइट कर रहे थे। 2023 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1558 वैकेंसी थी, 26 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, 12 लाख बच्चे अपियर हुए थे, 40% आपकी अटेंडेंस रही, एक सीट पे 770 बच्चे जो थे वो फाइट कर रहे थे। इस बार अगर हम बात करें कि इस बार पर सीट कंपटीशन क्या रह सकता है, कितने फॉर्म आपके अप्लाई हो सकते हैं, अटेंडेंस क्या रह सकती है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे 29 जुलाई तक की हमारे पास डाटा है और 29 जुलाई तक 32 लाख फॉर्म आपके भर चुके थे। अब डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, 3 तारीख लास्ट डेट होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इतने कम टाइम, बहुत कम टाइम आपके पास है, जैसे 29 तारीख तक का डाटा हमारे पास, तो 4 दिन में कितने, यहाँ पे 2 दिन ये और 3 दिन ये, यानी कि 5 दिन आपके पास बचे हुए, ठीक है। अब लास्ट टाइम पे क्या है कि सर्वर भी बहुत ज्यादा बिजी रहता है, फॉर्म भरने में स्टूडेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो मुझे लगता है कि इतने जो बचे हुए दिन है उसमें बहुत ज्यादा फॉर्म पड़ पाएंगे। फिर भी हम अपने तरफ से मैक्सिमम मान लेते हैं कि 3 लाख फॉर्म और पड़ जाएंगे, तो 35 लाख इस बार टोटल फॉर्म आपके पड़ेंगे। फिर भी ये डाटा जो है बहुत कम है, 35 लाख अगर वैकेंसी को देखा जाए तो वैकेंसी के कंपेरिजन में इस बार काफी कम फॉर्म पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर अटेंडेंस की बात करें तो ओवरऑल आप देख सकते हैं ये जो डाटा है इससे आपको चीज समझ में आ गई होगी कि जो अटेंडेंस है वो 40 से 45% के बीच में ही आपकी लाइफ करती है, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम ले लिया कि 16 लाख बच्चे जो है इस बार अपियर होंगे एग्जाम देंगे, तो वैकेंसी आपकी कितनी है, 95 से 83, तो पर सीट जो कंपटीशन रहना है रहने वाला है वो 160 के आसपास रहेगा, बाकी ये इससे भी कम होगा क्योंकि बच्चे 16 लाख के अंदर ही होंगे, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं कि इस बार जो पर सीट कंपटीशन है वो सबसे कम होने वाला है, तो कट ऑफ का इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा और कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ी सी इम्पैक्ट जरूर करेगी आपकी, ठीक है। बाकी टारगेट स्कोर सेफ साइड आप यही लेके चलो, इतना अगर लेके चलेंगे तो मन चाह मतलब जो बेस्ट डिपार्टमेंट होता है यहाँ पे डिपार्टमेंट रेंडमली मिलता है, लेकिन वो आपके मार्क्स के बेसिस पे मिलता है, अगर नंबर अच्छे होंगे तो अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा, उसके अलावा होम स्टेट मिल जाएगा, तो सभी कैटेगरी वाले जो बच्चे वो 130 नंबर का टारगेट लेके चले, ठीक है। उसके अलावा अगर कितने फॉर्म पड़े हैं यहाँ पे, उसके अलावा 18 से 25 इंच ग्रुप में कितनी वैकेंसी, 18 से 27 इंच ग्रुप में वैकेंसी कितनी है, डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी कितनी है, उसके लिए हमने आरटीआई फाइल कर दी, आप देख सकते हैं 28 तारीख को ये आरटीआई लगाई गई है और आप मेरा नाम भी पढ़ सकते हैं, तो जैसे ही इसका रिप्लाई आएगा मैं तुरंत आपको इसके बारे में अपडेट दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ताकि अगर आप सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग भी साथ साथ आप उसकी प्रैक्टिस करते रहो, टाइपिंग और कंप्यूटर बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और टाइपिंग ऐसे सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करो जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा, और बाकी जो प्रीवियस पैसेज है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है, बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसे दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं, बाकी जो लेटेस्ट वाले पैसे हैं वो बहुत जल्द यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। 1 दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है, मैं आप सभी से जरूर कहूंगा एक बार डेमो जो दीजिएगा, डेमो कर लें, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ वहां से आप डेमो दे सकते हैं, अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, करना क्या है इस वीडियो को शेयर करना है, उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।